السلام عليكم سر، جي وعليكم السلام. بس मैं चेक कर रहा था स्पीकर का, मैं कंफर्म कर रहा था, आई गेस मुझे लगा शायद मेरी तरफ से इशू है। नहीं नहीं सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। नहीं जी, आवाज आ रही है, बस आई एम जस्ट वेटिंग अ कपल ऑफ मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, सो शी स्टार्ट देन. राइट सर। तो जी ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम.
थिंक दैट यू शुड स्टार्ट नाउ। सो आई होप आपका जो मिड टर्म एग्जाम है वो अच्छा हो गया सबका। कोई इसमें कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो पूछने चाह रहे हो? नहीं सर, मेरी तरफ तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके, सो अब तक हमने चीजें कवर की थी, उसके अंदर कोई सवाल ऐसी कर। द लास्ट टॉपिक विच जी वॉज सर, बिल्कुल। कवर्ड, लास्ट टॉपिक कवर्ड वॉज रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स, और देन आई गेव यू एन असाइनमेंट दैट यू हैव टू कन्वर्ट योर ओन रेफरेंसेस इनटू वन ऑफ द स्टैंडर्ड। सो एज फार एज आपका जो इस वक्त तक की जो आउटपुट है, उसमें आप लोगों ने अपने रिसर्च टाइटल्स को फाइनलाइज कर लिया है, अप्रूवल भी ले लिया है, रिसर्च पेपर्स एज पर क्वालिटी इंडिसीज आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, उनके अंदर कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी हैं, जर्नल पेपर्स भी हैं, और फिर उसके अंदर से आपने अपना बेस लाइन पेपर या बेंच मार्क पेपर भी फाइनलाइज कर चुके हैं ऑलमोस्ट 90% लोग के। ये मेरा काम है जो कि मैंने मिनिमम इस काम को करना है और इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स करनी है। और फिर ये कि आपने अपने सारे रेफरेंसेस को कन्वर्ट कर लिया किसी एक स्टैंडर्ड के ऊपर, देन ऑल्सो आपने जो है वो एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने आपको शायद एक टास्किंग और ये भी दी थी कि जब ये चीजें सामने आ जाए सारी तो आपको फिर एक इंट्रोडक्शन का सेक्शन लिखना चाहिए। क्या ये मैंने टास्किंग की थी? नहीं की थी। चलिए आज मैं आपको इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि अब आपका लिखने वाला स्टेज जो है उसके अंदर आपने क्या करना है। हमने रीडिंग के परस्पेक्टिव से चीजें कवर कर ली हैं कि व्हाट ऑल हैज टू बी रेड, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना, किसको पढ़ना है, फोकस किस चीज पे करना है, गाइडेंस के साथ क्या क्या चीजें कवर करनी है, तो उस पे एक अच्छी हमने जो है वो कंटेंट को कवर कर लिया है। और अगर आपने लेक्चर सारे देखे हैं और क्लास में आते रहे हैं तो फिर आपको आई एम श्योर यू विल बी मच मोर कंफर्टेबल नाउ। हाँ, अगर कोई किसने क्लासेस नहीं ली है या वो स्कैटर्ड तौर पे आता रहा है और कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं है, तो उसके लिए जरूर थोड़े से मसले होंगे, और उसके लिए अभी भी टाइम है। आप सारे जो है वो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे, ऑल वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, उसको एक दफा देख लीजिए और उनको गो थ्रू करके अपने नोट्स बना लें ताकि आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो अभी क्लियर भी हो जाए और आपकी जो क्लैरिटी है वो आ जाए आपको। आफ्टर द मिड टर्म वी जनरली कवर द राइटिंग फेज नाउ, हाउ टू राइट एंड हाउ टू प्रेजेंट। सो उस परस्पेक्टिव से हम बात करेंगे, कुछ ऐसी चीजें भी जो ओवरलैप कर रही होंगी उनको भी देखेंगे, और अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो वो हम कवर करेंगे। आज के पर्सपेक्टिव से जो हमने चीज कवर करनी है उसमें पहले हम कवर करेंगे ओरिजिनलिटी को। एक कॉन्सेप्ट है रिसर्च में कि आप जब कोई काम करते हैं तो आपसे एक बड़ा प्रोमिनेंट या बहुत वाजे सवाल किया जाता है कि आपके काम में ओरिजिनलिटी क्या है, हाउ यू आर ओरिजिनल, बिकॉज यू आर अ रिसर्च स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स। सो जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो इन लोगों के लिए जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनर्स या आपके सुपरवाइजर्स या एवेल्यूएटर्स करते हैं कि जी ऐसी क्या चीज इसके अंदर है कि जो आप समझते हैं कि आपकी है। तो ओरिजिनलिटी का जो लफ्जी तर्जुमा है वो हाउ इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर साइड, हाउ ओरिजिनल यू आर, हाउ योर वर्क इज रिप्रेजेंटिंग योर एफर्ट। सो इस पर्सपेक्टिव से आपको कुछ सवालों के जवाब देने आने चाहिए। तो उस पर्सपेक्टिव से लेट मी स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग एंड देन वी कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन एज वेल। सो आई होप देर इज अ प्रेजेंटेशन व्हिच इज विजिबल टू एवरीबॉडी ऑनलाइन एज वेल एज इन कैंपस। कर यस सर, लेते विजिबल। हैं, मैं आपको इधर भी दिखा रहा हूँ। हाँ, सही है, कोई बात नहीं। इफ समबडी अदर क्लास तो वी कैन सी दी वीडियो लेक्चर, वो ठीक है। ये बार बार इसका मतलब इसको क्लिक करना पड़ेगा, आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा।
जी ऑनलाइन कुछ लोग मुझे और भी नजर आ रहे हैं। उमेर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। लेट मी डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी टीवी स्क्रीन, तो मे बी आपको फिर आवाज मेरी आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी। जी उमेर, आपको आवाज आ रही है? सर मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। सो हाउ इज योर आउटपुट राइट नाउ टिल दिस टाइम? सारे लेक्चर्स वगैरह आपने कवर कर लिए? ओके, जी सर, मैंने सारे लेक्चर्स कवर किए। और टॉपिक भी फाइनलाइज हो गया आपका? नहीं सर, मेरी प्रेजेंटेशन रहती है। मैं सर लास्ट टाइम क्लास पे आया था, उस दिन होनी थी लेकिन वो टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हो नहीं सकी थी। अच्छा ठीक है, चले, नो इश्यूज। आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो भी मुझे बताइएगा, तो वी कैन सी दैट, ताकि आप टॉपिक फाइनलाइज कर लें, बिकॉज एवरीथिंग इज राइट सर, विल बी रिवॉल्विंग अराउंड योर रिसर्च टॉपिक्स व्हिच यू ईच वन ऑफ यू फाइनलाइज। तो सर ठीक हो गया। और कोई एनी एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू व्हिच यू आर फेसिंग? नो सर, राइट नाउ ऑल गुड ओके, तो आप का बैकग्राउंड क्या है? आप इंजीनियर हैं या किसी और बैकग्राउंड से? अच्छा जी सर। मैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और यहाँ से MSDS कर रहा हूँ, डेटा साइंस ओके ओके, तो सर। दैट्स गुड। तो अभी आपने सुपरवाइजर फाइनलाइज कर लिया फिर? जी सर, सुपरवाइजर फाइनलाइज हो गए हैं, डॉक्टर साजिद बशीर अच्छा ठीक हो गया, दैट्स गुड। और आपने टाइटल सर। डिस्कस कर लिया होगा उनके साथ फिर? जी सर बिल्कुल, डिस्कस कर लिया। चलिए चलिए, दैट्स गुड। सर ओके, सो आई होप नाउ ये जो आज की कुछ कंटेंट हमने कवर करना है, ये विजिबल आपको भी है और क्लास में भी अभी एक छोटा सा इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। सो लेट्स वर्क ऑन दिस। सो बात मैं ये कर रहा था कि ओरिजिनलिटी की बात की जाएगी आपसे बहुत जगहों पे। जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे, प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो पीपल विल आस्क यू के जी व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क। सो अब जो चीज़ आपकी, जो इंसान बनाता है, क्या कर सकता है इंसान जो है, वो एक छोटे से पहिए से लेके पूरी गाड़ी तक बना सकता है अपने रिसर्च के द्वारा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या ओरिजिनलिटी है, या इनमें से क्या चीज ओरिजिनल है, तो आपका जवाब क्या होगा? जी उमर, सर, गाड़ी को अगर जनरली देखा जाए तो उसमें तो ओरिजिनलिटी नहीं है। हाँ, अगर उसमें लेट से वो कोई इंजन चेंज कर रहे हैं या कोई EFI सिस्टम को कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, या तो स्पेसिफिकली किसी कंपोनेंट को कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो होगी। अदरवाइज गाड़ी तो ऑब्वियसली बन चुकी है सर। अच्छा ठीक हो गया। और व्हाट अबाउट दी द पर्सन हु इन्वेंटेड दी व्हील? वो सर जिस टाइम पे उसने किया था, उस टाइम पे तो ओरिजिनल रिसर्च होगी उसकी ठीक है। और कार सर। का ओरिजिनल रिसर्च नहीं है? कार भी है लेकिन सर, कार मतलब आई थिंक 1889 में, नहीं 1920s में, 1930s में, जब ये इंजन आया था सर, उस टाइम पे बनी थी, तो उस टाइम पे ओरिजिनल रिसर्च हो सकती है। आज की भी हो सकती है, लेकिन आज अगर कोई नई कार आती है सामने जिसमें कुछ नई R&D हुई हुई हो, तो उसको हम ओरिजिनल रिसर्च कह सकते हैं ठीक है। हाँ जी, सर। और एनी अदर कमेंट? और कौन हमारे साथ है ऑनलाइन इस वक्त? जुहेब शब्बीर, जी सर। आपके क्या कमेंट्स हैं? सर मेरे ख्याल से तो जो आइडिया है वो हमारा अपना होगा, बाकी चीजें तो रिसर्च हुई होगी, पर जो चीज आपने उस टाइम पे सोची है, तो आपके मुताबिक जो है वो, आप जो आइडिया होगा हमारा, वो जो है वो ओरिजिनलिटी होगी, जो हमने खुद से सोचा है। कोई नई चीज अगर हमने सोची है तो, या कोई इस तरह की चीज हो सकती है जो पहले से इम्प्लीमेंट ना हुई हो, या कोई बहुत कम हुई हो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आइडिया है जो हमारे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि वही आपका। बाकी तो आपने, हमने जैसे पढ़ा भी है कि हम जितना भी काम करेंगे रिसर्च वर्क का, वो हम रेफरेंस पॉइंट से करेंगे, तो किस आइडिया से आप कर रहे हैं वो आपका अपना हो सकता है। ठीक है जी, नवीद शाह।
नवीद जी सलाम। अच्छा सर, इसमें तो आप ओरिजिनल रिसर्च जो ना, ठीक है, वो टायर का वो कह रहे हैं, ठीक है, व्हील का कह रहे हैं, और वो कार शो करवाई, कार तो एक हमारी इन्वेंशन है, लेकिन मतलब कि आइडियाज लिया हुआ है ना, तो मतलब कि हम इसकी एप्लीकेशन, हम कह सकते कि इसकी एप्लीकेशन हुई है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आप व्यू पॉइंट आपका मुनासिब है, हाँ मतलब इसकी इस किचन ही है। पे हम करेक्शन लगाते हैं जो अगर कोई चीज़ लगने वाली है तो। जी नुमान अहमद, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं भी यही बात करूंगा कि डेफिनेटली आइडिया पुराने कॉन्सेप्ट से लिया गया है, इसको वक्त साथ करते मॉडर्न चीज, नई सस्टेनेबल चीज बनाई गई है। सही, ठीक है। मंजूर अकबर साहब, मंजूर अकबर, अरे कोई बात, उनका आवाज शायद नहीं आ रही। हाँ जी, क्लास में आप क्या बताते हैं जी अर्शद साहब? बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी चलने वाली चीज है, उसका कॉन्सेप्ट आया टायर के साथ से। हाँ कार नहीं सर, कोई भी हमारी जब स्टार्ट घोड़ा गाड़ी होती थी या कुछ साइकिल देख रहे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका टायर से लिया जाता है। तो हाँ ये वो उसको जो कर रहा है, इसमें हम जो रिसर्च करनी है, इसमें उस कॉन्सेप्ट को लेके चलना सर, चलाना है इसकी मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, ठीक है, चले जी। जान अहमद, जो अहमद जान नाम है चीज आपका, अहमद। हम लोग प्रेजेंट करते हैं, मतलब पहले उसकी जो इनिशियल चीज होता है, पहले उसके बारे में हम अपने जहन में जो चीज या उसको रिसर्च करते हैं, फिर बाद में जो हम लोग का मकसद है, जो पर्पज है, उसको अपने माइंड में एस्टेब्लिश करके उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको बुलवाने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा, आप बोले, इंटरेक्ट करें ना चीज़ों में। कुछ जगहों में कुछ लोग बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं, तो आपके बारे में थोड़ा सा आपको भी अंदाजा हो कि थोड़ा बोलना आसान नहीं होता, बोलने में भी कुछ सोचना पड़ता है। जी आपका नाम, सॉरी मैं बोल गया, खुर्रम सर शहजाद जी, खुर्रम। ये है कि एक जिस फील्ड को लेके चलते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग काम हो चुका है उसको पहले पढ़ें, उसमें मजीद आप इनोवेशन जो लेके आएंगे वो आपकी ओरिजिनैलिटी। ओके जी, आपका नाम क्या है? सीमा जी। हमारे पास पहले से आइडिया होते हैं, हमारे पास कार है तो उसमें करते हैं कुछ सर, चाहती हूँ कि वो पेट्रोल जो चल रही है गाड़ी, मैं चाहती हूँ कि ये किसी और चीज से चल रही है, नया चीज। नया चीज कर ले आप, ठीक है, चलो ठीक है जी। आप लोगों के व्यू पॉइंट्स आ गए से, अब ये एक एग्जांपल थी, मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ आपको कि एलन ट्यूरिंग का शायद नाम सुना होगा, स्पेशली सीएस के जो लोग हैं। इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो आज आप लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स यूज करते हैं, दिस वॉज इनिशियली रिपोर्टेड टू बी डिवेलप बाई हिम, इन्वेंटेड बाई हिम। और दिस गाय, इसकी अगर आपने अगर पाउंड का नोट कहीं देखा हो, तो 50 पाउंड के नोट पे इसकी पिक्चर भी है, ठीक है। तो खैर, अब इसने भी एक मशीन बनाई थी, और एक आजकल आप अपना लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हैं, पाम टॉप्स यूज करते हैं, स्मार्ट मशीन आ गई हैं, उनको आप स्मार्टफोन्स पे भी इवन आप कंप्यूटिंग कर सकते हैं। तो विच इज ओरिजिनल वर्क आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग वन और द करंट वन एंड द वन विच वॉज इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग? हाँ जी खुरम। एक पर्सपेक्टिव पर ये है कि बहुत हो सकते हैं, उन्होंने जब किया तो उस वक्त का स्विच डिजाइन था, और जो आज कल है वो एग्जिस्टिंग को लेके चल रहे हैं, उसके अंदर नई इनोवेशन कर रहे हैं, तो वो भी उनका बात, लेकिन इनके आइडिया को लेके चल रहे हैं। लेकिन ये फर्स्ट है जिन्होंने इस स्टार्ट किया, ये फर्स्ट मशीन बनाई। ठीक है जी अहमद। जो बंदा मतलब फर्स्ट सजेस्ट करते हैं जो चीज के ऊपर, जो चीज से बेहतर करते हैं,
मतलब वही बंदा ओरिजिनल होता है, उसके बाद जो बंदा मतलब उसकी उस काम के ऊपर जो काम करता है वो मतलब टाइम के हिसाब से उसी टाइम पे जो चीज नया है उसके उसमें लगा करता है, मतलब थोड़ा एडवांस मतलब पहले जो बना है तो वही ओरिजिनल वही ओरिजिनल होता है। अच्छा होता ठीक है। अच्छा है। डिस्कवरी डिस्कवरी और इनोवेशन में क्या फर्क होता है? आपने कहा ना डिस्कवर करता है पहला बंदा, तो क्या फर्क है? पहले से चीज नहीं होती, डिस्कवर करता है इसका मतलब है वो पहले से चीज होती है। डिस्कवरी कहते हैं कि एक चीज है आपको नजर नहीं आती लेकिन आपने ढूंढ ली, डिस्कवरी वो चीज होती है। जैसे आसमान पे सितारे हैं, चांद है, अल्लाह ने बनाए हुए ना, तो आप डिस्कवर करते हैं कि जी इतने हमारे गैलेक्सी में स्टार्स हैं और 400 ऐड हो गए और 800 ऐड हो गए। तो आप डिस्कवरी का मतलब ये नहीं कि यू आर मेकिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, इट इज ऑलरेडी बीन मेड बट यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि ये है क्या चीज है, ये पहली दफा नजर आई है मुझे। ठीक है, जमीन खोदी और वहां से सोना चांदी निकल आया तो आपने कहा जी डिस्कवर कर लिया मैंने सोना। तो डिस्कवरी इज नॉट टू फाइंड समथिंग विच इज नॉन एग्जिस्टेंट, इनोवेशन इज समथिंग या इन्वेंशन जिसे कहते हैं, करेक्ट वर्ड इज इन्वेंशन। इन्वेंशन इज अ वर्ड विच इज यूज वेर यू थिंक एंड डिवेलप समथिंग विच इज नॉट देयर अर्लियर। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में एक वाजे फर्क है, वो आप जहन में रखना हो। ठीक है, तो आप ये कहेंगे जी किसी ने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया तो वो पहली दफा बनाया उसने। ठीक है, लेकिन असल में थोड़ा सा ना ये एक ऐसा एक आइडिया है जिसको हम से इसको आगे लेके चलते हैं। ओरिजिनलिटी की डेफिनेशंस बहुत सारी है, अगर मैं यहाँ पे इसको आप देख रहे हो तो आपको वन बाय वन नजर आएगा। और इसमें आप जब अपने अपने सवाल अपने इस क्वेरी का जवाब देते हैं अपने एग्जामिनर्स को कि आपने क्या किया, तो इनमें से आप कुछ भी स्टेटमेंट जो है वो सुटेबली अप्लाई कर सकते हैं अपने काम के ऊपर। लाइक अगर आप पढ़ें इसको, अर्शद साहब क्या लिखा हुआ है? Definition of originality, saying something nobody has said before. इससे पहले किसी ने कुछ ना आपने एक चीज पहली दफा कही जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो यू कैन से जी मैं पहली दफा कह रहा हूँ इससे पहले आज तक किसी ने नहीं कही, दिस इज माई ओरिजिनलिटी। मैंने आपको शुरू में कहा था कि ओरिजिनलिटी इज कि ये ओरिजिन इसका क्या है, आप इससे ओरिजिनेट हुई है ना, आपने इसको जनरेट किया, तो आपके हवाले से उसमें ऐसी क्या चीज है जो आपने की है। ठीक है, तो आपने अगर कोई चीज ऐसी चीज पहली दफा कह दी जो पहले नहीं कही गई थी, चाहे इम्प्लीमेंट नहीं की बनाई नहीं, तो आपका ये ओरिजिनलिटी वही है, वहीं तक ही है कि जी मेरी ओरिजिनलिटी ये है। आगे चलें और क्या लिखा हुआ, कैरिंग आउट एम्पिरिकल वर्क दैट हैज नॉट बीन डन इसका बिफोर। मतलब ये है कि आपने एक काम था, थ्योरी अवेलेबल थी, इक्वेशंस अवेलेबल थी, इस पे एक्सपेरिमेंटल काम नहीं हुआ हुआ था, आपने एक्सपेरिमेंटल काम कर दिया। यू कैन से जी दिस इज माई ओरिजिनलिटी, थ्योरी एग्जिस्ट करती है, फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये कि इस पे कोई होमवर्क कैलकुलेशंस नहीं हुई हुई थी, मैंने एम्पेरिकली इसको वेरीफाई किया। ठीक है, आगे चलें। सिंथेसाइजिंग समथिंग दैट हैज नॉट बीन पुट टुगेदर बिफोर। आपके सामने ये सीट्स पड़ी है ना, ये सीट्स जो है आपने शायद किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह नहीं देखी होंगी कि लकड़ी का ये लॉक पाइपिंग जिस तरह से इसमें वेल्ड हुई हुई है, इस पे जो फोम लगा हुआ है, ये वन ऑफ इट्स टाइप है। लॉक एग्जिस्ट करता है, रिवेट्स एग्जिस्ट करती हैं, पाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, फोम एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसी ने इन सब चीजों को जोड़ के एक शक्ल दी है, डिजाइन शक्ल दी है, एक नहीं सिंथेसाइज किया है, बनाया है। दिस इज दी ओरिजिनलिटी ऑफ दैट वर्कर हुज एवर इज डन इट। ठीक है, आप एक नई कुर्सी बनाते हैं जो छत से जुड़ जाए और उसमें स्प्रिंग्स लगे हो, ऊपर से नीचे आती हो, उसमें आप बैठ जाएं और जब आप उठें तो वापस ऊपर चली जाएं। ठीक है, वो उस स्टाइल में जो चीज़ें जोड़ी गई हैं वो उसकी ओरिजिनलिटी है, उसके मैन्युफैक्चरर की ओरिजिनलिटी है। तो इफ एनीथिंग विच हैज बीन सिंथेसाइज बाय यू बाय जॉइनिंग पार्ट्स विच आर ऑलरेडी देयर इन द वर्ल्ड बट यू हैव मेड देम, यू हैव कंबाइंड देम, यू हैव इंटीग्रेटेड देम बाय योर सेल्फ, दैट इज योर ओरिजिनलिटी। ठीक है, और क्या लिखा हुआ? making a new interpretation of someone else's material or ideas. अर्शद साहब ने आइडिया दिया कि जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने सर्किट में घूमते हैं, और अगर हम एक डिस्क को एयर में फ्लोट करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, ये आइडियाज तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं बहुत अरसे, सालों 100 सालों से। आपके आइडिया ने उसमें एक 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 नई इंटरप्रिटेशन पैदा की है।
तो नई इंटरप्रिटेशन इज योर ओरिजिनलिटी, इट हैज बीन ओरिजिनेटेड ओरिजिनेटेड फ्रॉम यू, यू कैन ऑलवेज से दैट कि दिस इज द ओरिजिनलिटी ऑफ दिस वर्क. आगे क्या लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई टेक्निक्स आई हैं, सारे पुराने एरियाज में अप्लाई हो रही हैं, इमेज प्रोसेसिंग में, ट्रेन चलाने में, सप्लाई चेन में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. ठीक है, पुराने एरियाज हैं, टेक्निक नहीं है, ओरिजिनलिटी है. ठीक है, ऑल द दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम टुगेदर टू मेक सम सेंस. अगला क्या है? Taking an existing technique and applying it to a new area. न्यू एरिया, एक नई चीज, साइबर सिक्योरिटी आजकल दुनिया में डाटा के पर्सपेक्टिव से आ गई है. अब आप पुरानी टेक्निक्स जो थी उन्हीं को आप साइबर सिक्योरिटी में ले आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के पुराने प्रिंसिपल्स, इक्वेशंस, मैथमेटिक्स, तो इट इज न्यू, इट इज समथिंग विच इज ओरिजिनल. सो आई होप डेफिनेशन से चीज आपको क्लैरिटी एक आ रही होगी कि क्या मतलब है, जवाब क्या देना है जब कोई सवाल ये करे. ठीक है, देयर कुड बी मेनी अदर डेफिनेशंस एज वेल. क्रॉस डिसिप्लिनरी, अगर आप हैं, आप एक नए तरीके से किसी टॉपिक को देख रहे हैं, नॉलेज सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज पहली दफा लिख रहे हैं, कोई नज़म, कोई शायरी, किसी पुराने काम को लेके चल रहे हैं और उसमें नए फैक्ट्स स्टेब्लिश कर रहे हैं, और यू नेम एनीथिंग लाइक दैट. सो वंस दिस क्वेश्चन इज आस्ड, आप एक क्लैरिटी से जवाब अपने काम को देते हुए देखते हुए दे सकते हैं. स्पेशली दिस क्वेश्चन इज जनरली, या कहें कि ज्यादा पूछा जाता है जब आप रिसर्च पेपर्स लिखते हैं ना, तो रिसर्च पेपर्स में ज्यादा क्रिटिकली लोग एवेल्युएट करते हैं, रिव्यूअर्स में. वो आपसे जब आप काम अपना लिख लेंगे, जमा कराएंगे, तो आपसे, आपको रिव्यूअर के कमेंट्स आएंगे, तो उसमें ये बड़ा ज्यादा कमेंट आता है कि जी आपने जो काम किया है ये तो, ये काम तो इधर एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ तो वहां पे हुई भी है, ये बेंचमार्किंग तो इधर भी हुई भी है, ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तो इस तरह से भी हुई भी है, एप्लीकेशन तो ये भी है, आप बताएं आपने क्या ओरिजिनलिटी प्रोड्यूस की है इस काम में. अब आपने सोचना है कि जी हाँ, मैंने इसके अंदर इनमें से कौन से ऐसे काम किए हैं जिसको मैं यहाँ पे जवाब दे सकता हूँ, टू कन्विंस हिम कि जी दिस इज समथिंग विच हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मी, विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. तो वो अब आपने उस परस्पेक्टिव से फिर होमवर्क करना होता है. ठीक है जी, तो आई होप ओरिजिनैलिटी के परस्पेक्टिव से क्लैरिटी आपको आई होगी, और थोड़ी पहले भी थी आई एम श्योर, आपने जवाब ठीक दिए, बट उसके अंदर थोड़ा सा और कुछ चीजें ऐड कर लीजिए आइंदा के लिए कि जब कोई सवाल आपसे करे. अच्छा जी, ओके, लेट्स गो अहेड एंड नाउ ट्राई टू डू समथिंग व्हिच इज अदर देन दी थिंग्स. आर्टिकल सर्चिंग जो है वो आप लोगों ने जो की है वो इस तरह से की है सर्च. इस पे हमने एक चीज पहले कवर की थी, मैं उसमें फॉर्मली कुछ चीजें बता देता हूँ आपको दोबारा एक दफा, जस्ट टू गिव यू आई वुड से अ ब्रशिंग अप ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, और देन वी कैन फर्दर गो अहेड. रीडिंग के पर्सपेक्टिव से दिस मे बी द लास्ट थिंग विच वुड बी कवर्ड इन दी क्लास. जस्ट आई वुड से कंक्लूजन या इन्फेरेंस कि आपने जब पढ़ना है तो कैसे पढ़ रहे हैं. लेट मी शेयर विद दी क्लास एज वेल. चलिए, ओके, अच्छा, अब आप ऑल ऑफ यू हैव बीन रीडिंग, और अब आपने कंक्लूड भी कर लिया, बट थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि रीडिंग के परस्पेक्टिव से कुछ चीज़ें और भी जो है वो हमारे जहन में होनी चाहिए. एक बड़ी फेमस कोट है रे ब्रैडबरी की, यू डोंट हैव टू बर्न बुक्स टू डिस्ट्रॉय अ कल्चर, जस्ट गेट पीपल टू स्टॉप रीडिंग देम. स्टेब्लिश फैक्ट है दुनिया के, अगर आप किताबें पढ़ना छोड़ देता है, कोई एक नेशन किताबें पढ़ना छोड़ देती है ना, तो उनका कल्चर जो है ना वो तबाह हो जाता है.
देर आर मेनी एग्जाम्पल्स एंड इट्स वेरी ट्रू इन आवर सोसाइटी. हमें अपने कल्चर का कुछ पता नहीं है, अपनी रिचनेस का कुछ पता नहीं है. हम अपने आप को इन्फीरियर समझना शुरू हो गए. ये जंडो पार्क है ना, ये दुनिया का सबसे आई वुड से इस पूरी अर्थ के ऊपर दिस वॉज द मोस्ट हैप्पी एरिया, मोस्ट रिच एरिया. यहाँ पे जो आपकी जीडीपी थी दिस दिस वॉज मच मोर हायर देन एनी अदर रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड वी हैव बीन, ये पूरा एरिया हैव बीन वेरी वेरी कहते हैं ना कि जी के जब आपको मुकम्मल तसल्ली होती जिंदगी में, ये हमारे आबा अजदाद उस तरह के लोगों में शामिल रहे हैं जो हमारे दादों के दादा कह सकते हैं आप, ठीक है. लेकिन चूंकि हम लोगों ने अहमद अपने आबा अजदाद के बारे में बिल्कुल जो ना पढ़ना छोड़ दिया, किताबें छोड़ दी, और हमारा फोकस कुछ और हो गया, हमारा फोकस अंग्रेजी हो गया, हमारा फोकस बाहर जाना हो गया, हमारा फोकस जो है गुलामी हो गया है, हमें उस डायरेक्शन में डाल दिया गया कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि हम जो है वो ना सिर्फ एक दूसरे को बहुत बुरा समझते हैं बल्कि अपनी कौम को बिल्कुल हकीर समझते हैं कि हम तो बिल्कुल गए गुजरे हैं पूरी दुनिया में. हालांकि ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. जो इस वक्त दुनिया के हुक्मरान बने हुए हैं इनफैक्ट दे वर मच मोर इतनी गहराइयों के अंदर थे कि आपकी सोच है, बट उन्होंने अपने आप को पिकअप किया और हम अपने आप को गिराते चले जा रहे हैं और गिरा रहे हैं और गिरा रहे हैं, ठीक है. तो एक अच्छी आदत जो शायद मैं आप अपने आने वाले लोगों में डाल सकते हैं वो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने छोटों के अंदर हम ये एक छोटी सी अच्छी सी हैबिट डाल सकें कि कुछ ना कुछ वो पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है. ये जो हमारे ये है ना सॉफ्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं ये भी इम्पोर्टेंट है. अच्छा, इनके अंदर भी इस तरह से आदतें पैदा की जा सकती हैं. आई वुड से आपने शायद डिवाइस देखी होगी, किंडल डिवाइस एक आती है बड़ी अच्छी, किंडल डिवाइस एक है जो कि इनफैक्ट इट्स जस्ट लाइक अ बुक, इट्स अ स्मार्ट डिवाइस. अगर आपने कभी नहीं देखी हो, पॉइंट क्या है कि इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को अपने जानने वालों को दें जिससे उनमें पढ़ने की खुशी पैदा हो, पढ़ने का जज्बा पैदा हो, कुछ ना कुछ पढ़ें. आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा मेच्योर होता है तो वो ये एक इंसानी नेचर भी है कि आप शुरू में थोड़ा सा फिक्शन को फोकस करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नॉन सीरियस होती हैं पढ़ते हैं, लेकिन एकदम पढ़ने की आदत पड़ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आप फिर ऐसी चीज़ों पे आ जाते हैं जो कि आपके आपकी कल्चर के ऊपर भी आपसे बात कर रही होती हैं. तो ये एक आदत जो है अगर आप पैदा कर दें, तोहफे हम सब देते हैं बट हम तोहफे वो देते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते, तो ऐसे तोहफे देने की कोशिश करें जिससे हमारे आने वाली नस्ल के अंदर कुछ ऐसी शौक चढ़े कि वो अपने आप अपने बारे में जानने की कोशिश करें, ठीक है. खुद भी हम कोशिश करें. मतलब इफ आई आस्क यू कि आपने आखिरी किताब अदर देन टेक्स्ट बुक कब पढ़ी थी, तो मेरे ख्याल में आप में से 70-80% लोग जो है वो कहेंगे कि हमने तो पिछले 5-6 साल से कोई किताब ही नहीं पढ़ी. हो सकता है कुछ लोग होंगे, आई एम श्योर अच्छे भी होंगे जो पढ़ते भी होंगे और आदत अच्छी होगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आदत अपने अंदर भी डालने की कोशिश करें और अपने छोटों में भी किसी तरीके से. ये हम में से शायद सारे ना भी करें लेकिन शायद 1% 2% ने भी किया तो ये एक ट्रिकल इफेक्ट है. आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो खुद बहुत और अच्छी होती हैं. आपसे 2 लोग सीखेंगे, उन 2 से 4 सीखेंगे. तो ये कोशिश करके हमने अपने अंदर हैबिट जो है वो लेकर आनी है. बट इसको लिंक मैं इससे भी कर रहा हूँ कि हम जब अपनी रिसर्च के अंदर रीडिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी वजूहत होती हैं. एक तो ठीक है हमने पढ़ना है अदर देन रिसर्च एज वेल, सिर्फ ये वो भी एक रिसर्च है. आई वुड से कि फॉर्मल इनफॉर्मल रिसर्च भी हम बहुत सारे डोमेन की होती है और हमारी रिसर्च जो है वो लिमिटेड टू आर साइंटिफिक नॉलेज नहीं है बल्कि बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिन पे रिसर्च करने की जरूरत है. इसमें एक एक पहलू भी है कि अपने आप को जानना, अपने आबाओ अजदाद को जानना, अपने अपने कल्चर को पहचानना, ठीक है. ये जो गंधारा आर्ट हमारी हमारा है ना, आप पूरी दुनिया में फिरे ना आप देखेंगे तर्किश को बड़ा प्रमोट करते हैं उनका कि जी हमारा ये कल्चर है, ये हमारा जो है ना. आप यूरोप चले जाएं, पूरे यूरोप में एक स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. आपको लगता ही नहीं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएंगे लगेगा उधर ही फिर रहे, बिल्कुल एक जैसा कल्चर उन्होंने अब तक मेंटेन किया हुआ है. वही ग्रीन स्टैचूज हैं, नीचे उनकी एक खास कलर 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 कोडिंग है और उनके वो पुराने हीरोज हैं, लेकिन उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ. टर्की में आप एक बिल्डिंग के अंदर एक खिड़की नहीं खोल सकते जब तक आप 40 लोगों से परमिशन ना ले लें. और हमें क्या शौक होता है कि हर पुरानी चीज़ को हम तोड़ताड़ के
उसको नया करने की कोशिश करते हैं कि जी अभी इसको नया कर दें, पुराने घरों को तोड़ देते हैं, अपने अपने दादों के घरों को तोड़ देते हैं कि नहीं यार ये तो किसी काम का नहीं है, पता नहीं क्यों बनाया था, करते हैं ना। लेकिन दुनिया उसको रिटेन रखती है, मेंटेन करती है। और कैसे करती है, ये आपको भी खुशी होगी जब आप थोड़ा एज में बड़े होंगे ना, और आप देखेंगे घर जो है 400 साल से चल रहा है, यू विल रियली फील हैप्पी। ये चीज मेच्योरिटी के साथ आती है, वक्त के साथ आती है, लेकिन सिखाना है किसी ने, बताना है, पता होगा तो फिर चीजें और अच्छी होंगी। खैर, सेटिंग दैट असाइड, रीजंस फॉर रीडिंग रिसर्च आर रिटन हियर, और ये सारी वजूहत हैं। अब हमने इन चीजों के अंदर अपने आप को डालना है, और ये इनफैक्ट रिक्वायर्ड है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हमने फॉर्मलाइज करना होता है रिसर्च को। फॉर्मल रिसर्च इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रेफरेंस, वट एवर वी टॉक, वट एवर वी राइट, वी ऑलवेज गिव आर रेफरेंस। इससे चीज लेजिटिमेट हो जाती है, लीगलाइज हो जाती है। जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, आपने सुना होगा कि जब वो बात करते हैं हमेशा कहते हैं जी ये मैं बात कर रहा हूँ ये इस रेफरेंस से, ये बात कर रहा हूँ ये इस रेफरेंस से। अदरवाइज जो बंदा रेफरेंस से बात नहीं करता, वो सिर्फ वो जो है उसको जादूगर कहा जाता है, ठीक है, वो जस्ट लोगों को हिप्नोटाइज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, बट ये एक आदत अगर हमें आ जाए तो चीजें जो है वो थोड़ी सी, और रिसर्च में ये रिक्वायरमेंट्स है इन चीजों की। ओके, अब इनफैक्ट जब हमने पढ़ना है ना, पढ़ने के लिए चूंकि आप रिसर्चर्स हैं तो 3 स्टेजेस हैं एक रिसर्चर की लाइफ के अंदर फॉर रीडिंग। अभी आपकी स्टेज है ड्यूरिंग स्टार्ट, या इसको कहते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ योर रिसर्च, जिसमें आप फोकस करना चाह रहे हैं आइडियाज के ऊपर, और एक्सप्लोर कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली आपके अब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आएगी, आप काम करेंगे, लिखेंगे और रिसर्च को थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे। देन दी स्टेज वुड कम जिसको हम कहते हैं ड्यूरिंग योर रिसर्च, सो दैट यू कीप अब्रेस्ट विद द डेवलपमेंट्स, रिमेन इंटरेस्टेड इन योर टॉपिक एंड सी व्हाट अदर पीपल आर डूइंग इन योर एरिया ऑफ रिसर्च, एंड अल्टीमेटली देयर वुड बी अ स्टेज वंस यू विल कंप्लीट योर रिसर्च एंड अब आप पढ़ेंगे टू सी द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क। होपफुली होपफुली आप में से कुछ लोग अपने रिसर्च पेपर्स, और जो आगे जाएंगे फर्दर हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे, और पेपर्स किताब में लिखेंगे, ठीक है, तो वो स्टेज आ जाएगी जब आपने रिसर्च अपनी कंप्लीट कर ली है, कंसोलिडेट कर ली है, अब आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कि जी मुझे कोई साइट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। लाइक गूगल स्कॉलर पे आप जाते हैं, कैन सी के जी फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इधर गूगल स्कॉलर के खोल लूँ और जस्ट फॉर रेफरेंस, पीपल आर इंटरेस्टेड टू सी दैट, मैं इधर गूगल स्कॉलर बोलता हूँ, लेट मी शेयर इट ऑन द ग्रुप एज वेल। अच्छा जी, गूगल स्कॉलर को मैं क्लिक करता हूँ तो अब आई कैन सी यार के ओके, यहाँ पे से आई टाइप माई नेम, कुछ सर्च पेपर मैंने लिखे हैं, चलो मैं देखता हूँ जी, तो ओके आई क्लिक इट हियर, So I see, yes, I've been cited. People are citing my work. ठीक है, let me connect it here. ठीक है जी, so आप देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि रिसर्च पेपर है, इट हैज बीन साइटेड बाय 110 पीपल इन डिफरेंट वर्क्स। आई कैन जस्ट सी कि वो कौन कौन से लोग हैं। तो These are the things which gives you a positive spirit के my work is being read and people are exploring it further and getting knowledge out of it. So this gives a writer happiness. Every writer writes for somebody else to read it. Otherwise, लिखने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो perspective जो यहाँ पे देने की मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आप after completion of your research you will be happy. जब आपका पहला रिसर्च पेपर पब्लिश होगा किसी एक कॉन्फ्रेंस में, जर्नल में, तो यू विल फील रियल हैप्पीनेस इन योर सेल्फ कि यार ये मैंने, मेरा काम था। इसकी वजह यह है कि जब भी हम कोई चीज़ तख्लीक करता है ना इंसान, तख्लीकी सलाहियत जो है ये अल्लाह की क्वालिटी है, टू क्रिएट इज गॉड्स एबिलिटी या गॉड्स इट्स लिंक्ड विद द अल्लाह। सो जब आप अल्लाह ताला की किसी क्वालिटी को मैच, या कहें कि उस मैच को क्या करना है आपने, उस तरह की कोई चीज करते हैं ना, तो वो खुशी जो आपको होती है उस मौके पे उसकी कोई कीमत नहीं। तो जब भी आप कोई चीज क्रिएट करेंगे ना, आप कोई मैन्युफैक्चर करेंगे, आप कोई सॉफ्टवेयर बना लेंगे, आप कोई हार्डवेयर बना लेंगे, तो आप उस मौके पे आपको जिंदगी में बहुत खुशी होगी। आप कपड़े बना लेंगे खुद अपने हाथ से बनाएंगे अगर, ठीक है, तो
तो ये एक नेचुरल अल्लाह ने आपके अंदर एक एबिलिटी या कहें कि खुशी की एक फीलिंग रखी है. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी मस्ट नो एंड चेरिश इट एज वेल. ओके जी. सो विद दिस पर्सपेक्टिव रीडिंग के लिए मैंने आपको कहा कि रीडिंग में तीन स्टेजेस हैं, बिफोर या बिगिनिंग ऑफ योर रिसर्च करियर्स, ड्यूरिंग योर रिसर्च एंड देन आफ्टर द रिसर्च. और इन सब का एक एक मकसद है जिसको आपने कैरी ऑन रखना है ताकि आप उस चीज को इन रियल सेंस जो है वो कैश कर सकें. और अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि क्रिटिकल रीडिंग एक चीज है कि आपने पढ़ना है तो पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हर चीज जो है ना वो एक दफा की पढ़ाई में आपको समझ भी नहीं आएगी. किसी भी पीस ऑफ आर्ट को जब आप देखते हैं ना तो एक नजर में आपको उसके अंदर शायद 1% चीज विजिबल होती है, दोबारा देखते हैं तो कुछ और चीजें नई नजर आती हैं, ठीक है, और देखते हैं तो और नई चीजें नजर आती हैं. और ये सारे आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. आप शायद अगर कैजुअली पर्सपेक्टिव से देखें तो आप एक फिल्म देखते हैं ना, जब तो पहली दफा फिल्म देखने पे आप बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर जाते हैं, जब दोबारा देखते हैं तो आपको लगता है ये तो मैंने शायद पहले देखी नहीं थी फिल्म, ये तो इसमें कुछ नई चीजें नजर आ रही हैं मुझे. थर्ड टाइम पे शायद कुछ और नजर आता है. तो देर आर पीपल हु सी अ मूवी, इवन अ मूवी मे बी अ कपल ऑफ टाइम्स टू. ड्रामा सीरीज लोग बार बार देखते हैं यार किसके, और हर दफा उनको एक नई फीलिंग मिलती है. इवन किताब आप एक दफा पढ़ लें, दोबारा पढ़ेंगे तो नई चीज लगेगी, यार ये पहले चीज तो नजर ही नहीं आई थी मुझे. तो याद रखें कि रीडिंग इज सिंपल, रीडिंग इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. वंस यू रीड यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स टू गेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन. तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन तभी आती है जब चीज को आप बार बार पढ़ते हैं. तो ये जहन में रखें, प्रोबेबली कहीं जिंदगी में काम आए कि यार मैं अगर बार बार, एटलीस्ट कहते हैं कि 4 दफा चीज पढ़ी जाए, मिनिमम 4 टाइम्स, तब उसकी रियल सेंस आपको आती है. 4 दफा से कम में आप उसको पार्शली जो है वो मिस करते जाएंगे हर दफा में. ओके अभी ये क्लास ये वाला सेशन एंड हो रहा है तो वील स्टार्ट अगेन जी. जो ऑन ऑन बोर्ड है काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिए, मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ. तो वी कैन स्टार्ट अगेन जी.